नींव मजबूत होगी सनातन की तभी धर्म मजबूत होगा। जी हाँ, यही कहना था मशहूर सनातन गायिका कवि सिंह का। कवि सिंह हिंदू राष्ट्र पद यात्रा के तहत जब जहानाबाद के गांधी मैदान में अवस्थित महर्षि विद्यापीठ में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। सनातन धर्म को जगाने हिंदू राष्ट्र पद यात्रा पर निकली देश की जानी मानी महिला सिंगर कवि सिंह का स्थानीय महर्षि विद्यापीठ विद्यालय में भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड से रामेश्वरम तक निकाली गई सनातन धर्म को जगाने के लिए पद यात्रा जब जहानाबाद पहुंची तो यहां महर्षि विद्यापीठ में उनका भव्य स्वागत किया गया। महर्षि विद्यापीठ की ओर से उन्हें अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने यहां के नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलकर उन्हें सनातन धर्म से अवगत कराते हुए उन्हें सनातन धर्म के बारे में बताया एवं उनसे ढेर सारी बातें की। इस दौरान इन्होंने कहा कि इन बच्चों के बीच आकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि यह विद्यालय सनातन का एक बहुत ही अच्छा विद्यालय है जो सनातन धर्म को जागरूक कर मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है, क्योंकि जब नींव मजबूत होगी सनातन की तभी धर्म मजबूत होगा और इस विद्यालय में सनातन की बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। वहीं विद्यालय के निदेशक साकेत रोशन ने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं एक सनातनी जो कि सनातन के लिए अलग जगाने निकली है उन्हें सम्मानित करने का मौका मिला है। तो वहीं विद्यालय की प्राचार्य सोनाली शर्मा ने कहा कि हम सनातनी हैं और सनातन को आगे बढ़ाने में हमेशा अपना सहयोग करती रहूंगी। इस सम्मान समारोह के अवसर पर विद्यालय के निदेशक साकेत रोशन के अलावा प्राचार्य सोनाली शर्मा, शिक्षिका श्रुति केसरी, ब्यूटी कुमारी, सोनम कुमारी, शिक्षक गोविंदा गुप्ता, मयंक राज, हिमांशु राज सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। अच्छा लग रहा है, हम पहले उनसे परिचित नहीं थे, कल सुबह सुबह भी आए थे हमें बुलाने के लिए कि भाई हम बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं। और देखा भी सब लोग, बच्चों के मस्तक पे चंदन था और इनके विद्यालय का जो नाम है, यहाँ का वातावरण है, अच्छा लगा। तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि नींव मजबूत होगी सनातन की तभी घर मजबूत होगा और वही देश के लिए। देश में तो लोकतंत्र है तो सिर्फ सनातन से काम तो चलेगा नहीं। लोकतंत्र, अभी बांग्लादेश की आप खबरें सुन रहे हैं, वहाँ पर भी लोकतंत्र था और अगर ऐसा ही यहाँ रहा तो वो समय दूर नहीं है जो यहाँ होगा। अफगानिस्तान में भी हुआ था, पाकिस्तान में तो 23% से अब 1% रह गया। तो लोकतंत्र हम तो मानते नहीं, ना मानने वाला मानता है। आप सिर्फ सनातनी से जुड़े हुए गीत गाती हैं? कट्टर गाते हैं भाई, आग लगा देते हैं, हर हिंदू को भड़काते हैं भाई, सीधा कहते हैं कि अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। नहीं तो एग्जाम्पल अभी आ ही गया ताज़ा ताज़ा, और ये हमने तो क्या कहते हैं, भगवान श्री राम जी की कृपा है कि दूरदर्शी हमारी नज़र है कि हम देख लेते हैं ये क्या होने वाला है। आपकी नज़र में सबसे अच्छा धर्म सनातन है? भाई देखो, मेरे हिसाब से धर्म एक ही है, सनातन। ये जितने भी आप मान लीजिए, ये कट्टरपंथी जो अपना शुरू हो रहा है, मुस्लिमों को लगा लीजिए, कन्वर्टेड है सब। अब मुग़ल आए थे मान लीजिए 500-700 जितने भी वो 2000 साल 5000 साल कितने भी साल रहे हो, वो अपनी बीवियाँ नहीं लेकर आए थे यहाँ पे, वो अकेले आए थे खच्चरों पर, ठीक है। ये सब कन्वर्टेड है, ये अपने आप को झंडा उठाकर बोल रहे हैं, हरा झंडा उठा लिया भैया, हम मुस्लिम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आजकल हमारे भाइयों को भड़काया जा रहा है, जय भीम के नारे लगवाए जा रहे हैं, तो इसी तरीके से कन्वर्ट हुए थे। सनातन एक ही, सनातन ही था, सनातन ही रहेगा और धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन। उसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। अभी आप एक ही पिता के बेटे दो अलग अलग हो जाएं, अपने पिता को मानने से इनकार कर दें तो उसकी थोड़ी ना माननी चाहिए। जय भीम वाले नहीं है, वो सिर्फ भीमराव अम्बेडकर जी को मानते, और अच्छी बात है भाई शिक्षा का मानना। लेकिन अगर वो भटकते हैं कि वो भगवान श्री राम जी को नहीं मानते, वो मतलब अपनी सनातन संस्कृति, अपनी जड़ों को भूलना चाहते हैं, तो वो बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से। अब मैं तो कहती हूँ कि भाई बिल्कुल भी मत भटको। पिछली बार जब भटके थे तो ये खान लगवा कर आए थे अपने पीछे, तो अभी नहीं भटकना, हम भटकने देंगे नहीं भाई हम जब तक। कोई आपके गीत जो अभी फेमस हैं सुना दे। हमारी यात्रा निकल रही है, हरिद्वार से हम निकले हैं, 1 महीना हो गया हमें, 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो गा ही रहे, तुम्हारा गला बैठा हुआ है, पर कोशिश करेंगे।
उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो, माने तुम्हें पुकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम, अपनों के लिए जलधारा दुश्मन के लिए अंगार हैं हम, अपनों के लिए जलधारा दुश्मन के लिए अंगार हैं हम। करो एकता आपस में, मतलब ये जो जातियों में बट रहे हैं ना भाई, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं नहीं नहीं नहीं, करो एकता आपस में, यही हमारा नारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा। जय श्री राम, जय श्री राम। आखिरी सवाल करेंगे कि अगर इस देश में सबको मिला के चला जाए तो क्या दिक्कत है? सबको मिला के हम तो कहते सब मिल जाओ भाई, सनातन में आओ, वापसी करो, जैसे पहले था जब राम राज्य था वैसा हो जाओ, सब मिलकर ही तो चल रहे, हम तो चाह रहे हैं कि सब मिलो, आ जाओ। अब लोग मिलना नहीं चाहते तो फिर उनको परेशानी हो जाएगी भविष्य में। अच्छा मैम, ये पद यात्रा आपने कहाँ से शुरुआत की, कहाँ अंत करेंगे इसका? अंत नहीं होगा, मतलब ये शुरुआत हुई है अपनी हरिद्वार से, गंगा जल लेकर चले हैं हम हर की पौड़ी से, रामेश्वरम जा रहे हैं, जलाभिषेक करेंगे भगवान श्री महादेव जी का, उसके बाद वहाँ से मिट्टी लेंगे समुद्र की और वो गंगा जी जाएंगे वापस, वहीं पर प्रवाहित करेंगे जहाँ से गंगा जल लिया है। भगवान श्री राम जी ने कहा था, यहाँ थोड़ा सा मेरा अपना स्वाद, भगवान श्री राम जी ने कहा था कि जो गंगा जी से वहाँ से हरिद्वार से जल लेकर आएगा और यहाँ जो मैं उन्होंने जो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी वहाँ पर जलाभिषेक उनका करेंगे तो उनको वैकुंठ मिलेगा, लेकिन मैं नहीं मिलूँगा। मैं कब मिलूँगा? जब यहाँ से समुद्र की मिट्टी ले जाकर वापस उसी गंगा जी में प्रवाहित करोगे तो मैं द्वार पर खड़ा मिलूँगा और मुझे राम जी से मिले। हमारा विद्यालय जो कि हमेशा सनातन धर्म को लेकर आगे की ओर बढ़ रहा है और इसी के दरमियान आज पूरे देश में अपना आवाज़ों से प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गायिका कवि सिंह एक पद यात्रा के दौरान सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए पद यात्रा पर निकली हुई थी, जो आज चलकर हमारे बीच मर्दी विद्यापीठ में पहुंची हैं, तो उसका आज हम लोगों ने स्वागत किए और उन्हें अंग वस्त्र देकर उनका भव्य स्वागत किए हैं और हमारा विद्यालय हमेशा इन सनातनियों के लिए हमेशा आगे की ओर रहा है और रहेगा। बच्चों से मिलकर उन्होंने भी बच्चों को सनातन को आगे की ओर बढ़ाने का एक मुहिम जो छिड़ा है, वो बच्चों को बताएं कि किस तरह से हमारा धर्म काफ़ी अच्छे हैं और दूसरे का धर्म को भी सम्मान देना चाहिए और एक अच्छे शिक्षा तभी मिलती है जब हम सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। जी आज हमारे विद्यालय में कवि सिंह नाम की प्रसिद्ध गायिका आई हुई थी, बच्चों से मिलने के लिए भ्रमण के लिए निकली है वो पद यात्रा पे, इसी बीच उनका हमारे स्कूल में आना हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक सनातनी है और बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताया गया उनके द्वारा, बच्चों को ये मैसेज दिया गया कि हमें अपने धर्म को लेकर आगे रहना चाहिए, अगर हमें हिंदू धर्म के साथ साथ अलग धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए पर हमें अपने धर्म के लिए हमेशा खड़ा